हेलो फ्रेंड्स, आज हम मसाला खाखरा की रेसिपी लेकर के आए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनता है, तो चलिए हम बनाते हैं। हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कप बाउल में हमने पहले से रखा है, अब 1 कप और हम इसमें ऐड कर लेंगे और 1/4 कप हम बेसन ले लेंगे। और ये मसाले हैं, जीरा, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मोयन के लिए तेल या घी, कुछ भी लीजिए। इसमें आटे में हम मिक्स करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसे हम हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। ये भी 1/2 चम्मच है, जीरा 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच ही हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 2 छोटे चम्मच आयल। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से देखिए मिक्स भी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेंगे और इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसे इसका एक डो तैयार करेंगे। डो हमें पूड़ी के आटे के जैसे नहीं तैयार करना है, बहुत टाइट नहीं, थोड़ा सा पूड़ी के आटे के से हमें थोड़ा सॉफ्ट रखना है। इस तरह से हमने डो को तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के छोड़ देंगे सेट होने के लिए। ये 10 मिनट हो गया है, ये देखिए हमारा डो सॉफ्ट भी हो चुका है हल्का सा। अब हम तैयार करेंगे खाखरे। इसमें से हम नींबू के आकार का हम ले लेंगे ये बॉल। अब इसे हम इस तरह से चपटा कर लेंगे हथेली से। और थोड़ा सा आटा हम डस्ट करते हुए इसे रोटी के जैसा बेलेंगे। रोटी से हम बहुत ही पतला बेलेंगे, रोटी हल्की थिक होती है तो हम बहुत ही पतला इसे बेलेंगे, फिर हमारा खाखरा काफ़ी क्रिस्पी तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारा खाखरा बन गया है। हम इक्वल साइज होने करने के लिए इस तरह का एक बड़ा ढक्कन ले लेंगे जिससे कि हमारे किनारे भी बिल्कुल पतले हों, जैसे बीच में वैसे ही किनारे, तो खाखरा बहुत ही अच्छा बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि कितना पतला खाखरा बन के तैयार है। इस तरह से हम सारे खाखरे बेल के रख लेंगे, फिर हम एक एक करके सेकते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम गैस को ऑन करके अब इसमें हम फ्लेम को लो रखेंगे जिससे हमारे खाखरा काफ़ी क्रिस्पी बने। ये सिकने में 5 से 7 मिनट तो लग ही जाता है। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, हल्के हल्के से बबल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब इस तरह से कोई भी आप मैसर लेकर के इस तरह से आप इसे दबाते हुए गुलाई में से इस तरह से सेकेंगे घुमा घुमा के। बबल जैसे ही निकले आप उसी तरह से प्रेस कर दीजिए। इस तरह से करने से हमारे खाखरे काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसमें अच्छी सी चित्ती भी पड़ चुकी है। ये जब आप सफ़र में जा रहे हो तो आप खाखरे ले जाइए, आपको चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। ये
ये आपको देखिए क्रिस्पी लग रहा होगा, काफ़ी पतले बने हैं। इसी तरह से हम सारे खाकरे तैयार कर लेंगे। ये हमारे खाकरे बनके तैयार हैं। हमने मीठी नींबू की चटनी है ये, और इस आप कोई भी अचार या चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और सफ़र का इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारे खाकरे की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।